इस वीडियो में मैंने जंगल के अंदर बना दी है एक जेल और ये चारों बन चुके हैं इस खतरनाक जेल के कैदी और इनमें से जो सबसे लास्ट तक इस चैलेंज में सर्वाइव कर पाता है उसको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। गाइस ऐसे आंडू पांडू चैलेंज बहुत आते हैं मेरे पास, ये चैलेंज भी मैं ही जीतूंगा 101% गारंटी। अरे आंडू पांडू तो तू है, ये चैलेंज नहीं है, इसको मैं जीतूंगा देखना। अब चुप रहे आंडू पांडू के बच्चे, तेरा सीनियर हूं मैं। हाँ यार तू बूढ़ा भी हो गया, देखो बाल बाल सफेद आ गए इसके, देखो जब तो सीनियर लग रहा है यार। निकल निकल, कहाँ पे निकलूं बाहर चैलेंज से? मेरे को पैसे जीतने हैं। वो तो मैं जीतूंगा ये, अबे देखते हैं चैलेंज। बॉडी देख, बॉडी बॉडी यस। तू बूढ़ा भी है, थक जाएगा जल्दी से, देखना। वाह वाह, वो तो है मेरे अंदर, आ जाना जल्दी इसको। गाइस मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तो पैसे जीत कर जाऊंगा। तो भाइयों मैं पिछला चैलेंज तो हार गया था, लेकिन इस बार मेरा दिल कह रहा है ये चैलेंज तो मैं ही जीत के जाऊंगा यहाँ से। अरे हारेगा हारेगा, अरे जीत के जाऊंगा, मैंने भविष्यवाणी कर दी ना। तो अरे मैं जीत के जाऊंगा, देख लेना। तूने क्या कारनामे करके आया बार? मैंने सबसे महंगी चड्डी चुराई गुच्ची की, वो भी सलमान खान की। अच्छा, लेकिन मैं बाहर गैंगस्टर था। अबे गैंगस्टर में, अबे यार करो इसको ले जाओ रे इसको। मेरे से बड़ा क्राइम किसने किया क्या? हां बता, तूने क्या किया रे? मैंने साइकिल के टायर चोरी किए। ये साइकिल के चोरी कर सकते हो तुम? सलमान खान की चोरी? सुने क्या किया बात है? मैंने हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती है, उन्होंने भी भैंस का दूध चुरा लिया। तुम लड़ो, तुम लड़ो, मैं तो नहीं लड़ने वाला। तो गाइस इन चारों में से अभी तक तो कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो ये चैलेंज है ना वो इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। भाई साहब 50,000 रुपए जीतने के लिए इनको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी हाँ, यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पर ये रही इनकी छोटी सी जेल, जिसके अंदर देखो ये लड़ रहे हैं, और बाकी है ना जो ये जेल वो है भाई जंगल में। चारों तरफ आप देखो भाई, ये है घना जंगल और ये जेल है जंगल के बीच में। ओए रात को देख लेना क्या हालत होगी तुम्हारी, जंगली जानवर आएंगे यार। हम तो कुछ कर गाइस, हम है ना इनके साथ में उल्टा करने वाले हैं। जो आप देख रहे हो ना, ये हमने तार लगा रखे हैं, ये हम नाइट में हटा देंगे। समझ पागल हो गया, हमारे हाथ में कोई जंगली जानवर आ गया तो काम नहीं है भाई। चैलेंज हार मान लो, मानो हार, तुम आने का हार, तुम आने का हार। अरे यार मान जाना, भाई सबको पैसे चाहिए, अभी तक तो कोई भी हार नहीं मान रहा है। और बाकी देखो चैलेंज को मैं और कितना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हार्ड बनाता हूँ। अभी तक तो हमें ना इनको काफी ज्यादा सजा भी देने वाला है। भूख लग रही है क्या तुम्हारे को? नहीं भूख नहीं लग रही, मैं तो अभी नींद निकालता हूँ, रात भर बताना बताना कैसे नींद निकालेगा तू। ये मस्त तरीका है यार नींद निकालने का, तुम भी सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वैसे भी मेरे हिसाब से गाइस ये 4-5 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो हार नहीं मानेंगे, देखते हैं कि कितनी देर तक कौन सरवाइव कर पाता है। ओए किशोर को मार पड़ेगी। क्यों? वो मोबाइल लेके गया अंदर, वो देख वो जेब से बाहर निकल रहा है। किशोर तू मोबाइल अंदर क्यों लेके आया? तुझे पता है जेल के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ना किशोर मोबाइल लेके आया है अंदर, तो अब इसको मिलेगी सजा। क्यों लेके आया मोबाइल तू? अरे मुझे पता है मेरी जेल में अलाउ नहीं है मोबाइल। अरे तो मैंने सबको, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस वाला हूँ, देख मेरी स्ट्रिक्ट दिख रहा नहीं है क्या, कितना स्ट्रिक्ट हूँ मैं। तो गाइस जहाँ पे किशोर ने गलती की थी, और अब हम है ना उसको उसकी सजा देंगे। अब इसका काम है इस पूरे के पूरे ग्राउंड को क्लीन करना और इनके लिए खाना बनाना। ठीक है जल्दी कर, आधे घंटे का टाइम है तेरे पास में बस। हाँ और बस। अगर आधे घंटे तक तूने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो तेरे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और यहाँ पे तुझे डाल दिया जाएगा, समझ रहा है? जल्दी कर गाइस। जेल के अंदर तो यार ऐसी सजा मिलती है, मतलब कि जो होते हैं ना कैदी उनसे ही काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो किशोर ने गलती की थी तो ये कर रहा है यहाँ पर काम। और आप कभी ध्यान रखना, कभी जेल में जाए ना तो फोन लेके बताना। अरे यार तुम्हारे वो स्टाफ वाले पागल है, मेरे अच्छे से चेक नहीं किया मेरे को। लेकिन तुझे फोन की जरूरत कहाँ पर पड़ रही थी? मैं सोचा अंदर बैठे बैठे सेटिंग से बात करूंगा। अच्छा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और सुन ले, अगर आधे घंटे में ये काम कम्प्लीट नहीं होता है तो तेरे पेट भी बांध दिए जाएंगे, हाथ तो वैसे भी लोक है, समझ रहा है? और बाद में है ना खाना भी बनाने वाला है इन सब के लिए। और अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनको खाने में क्या मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भाई इनकी नींद उड़ने वाली है, देखना आप। चूल्हा बन गया? हाँ जी। ये लो तुम्हारे चावल और ये रहा पानी, ठीक है? पानी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और इसी से तुम्हारे को चावल बनाने, ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन यार मैगी दे देती तो बढ़िया रहता। क्या मैगी? तुम जेल में हो ठीक है ना,
कोई फाइव स्टार होटल में नहीं हो, चुपचाप चावल खाओ। और गाइस हमने इनको कुछ भी नहीं दिया, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं, केवल सादे चावल खाने हैं तुम्हारे को उबाल कर। किशोर चावल बढ़िया बनाना है यार। घंटा अच्छा बनाऊं? कुछ नहीं दिया, सिर्फ व्हाइट चावल दे दिए, नमक मिर्ची कुछ दिया ही नहीं, कहां से अच्छा बनेगा? खा लेना जो मिल रहा है। पानी तो दिया ना? हां पानी। हां तो पानी पी लेना, अच्छे से उबाल लेना बस। ये जेल में कोई फाइव स्टार होटल में थोड़ी है। अरे एक तो तुम्हारे लिए मैंने देख कितनी सारी मेहनत करी, चूल्हा बनाया यहाँ पर, साफ सफाई करी ताकि रात में अच्छे से नींद आए। बन गए चावल? जी सर। और देर आधा घंटा भी कंप्लीट हो गया अब। अरे सर थोड़ा खाने टाइम तो माफ कर सकते हो यार थोड़ी देर। चलो ठीक है गाइस यार, इनको ना थोड़ा सा टाइम दे देते हैं क्योंकि है ना चावल सीजने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। खिलाओ खिलाओ इसको, गरम गरम खिला दिए उसको। ऐसे ही मिलेंगे इसके ना पाँव मारने वाला हूँ, ज्यादा हो गया यार अभी। भाई इसको देखो मैंने कितना टाइम दे दिया, 40 मिनट का टाइम मैंने इसको दे दिया है। किशोर जल्दी कर, तेरे पास में केवल 10 मिनट का टाइम है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे भी खाना खाना है, इनको भी खिलाना है, ठीक है ना? ओके फिर ऊपर है, 10 मिनट बाद में। अगर इतना सा भी टाइम आ गया हुआ ना, तेरे पैर बांध दिए जाएंगे। कोई चावलों का टेस्ट कैसा है? बेकार है लेकिन क्या करे, 50,000 रुपए जीतने मेरे को। अच्छा कुछ इसलिए तो ताकत ले रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखो और कोई और कोई जल्दी करते जा रहे हैं। किशोर तुझे खाना है ना तो तू भी खा ले यार जल्दी, समझ रहा है? ऐसा ना हो कि तू इनको खिलाता रह जाए और बाद में ना तेरे 10 मिनट तुझे मिले वो पूरे हो जाए, समझ रहा है? जल्दी 10 मिनट का नमक नहीं है क्या? नमक नहीं है? नमक जेल है कोई फाइव स्टार होटल में? जल्दी भूख लग रही है, भूख लग रही है खतरनाक। अच्छा नहीं बना लेकिन पेट में जाना चाहिए बस, ये काफी है अभी तो। खाना कभी गंदा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ये क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओ यार मेरे को खुला छोड़ दे, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा यहाँ पर, जो जितना भी जंगल में गाय भैंस होगा, गोबर होगा, गिरने गटर वटर जो भी लोग खुले में हंगने आते होंगे सब साफ कर दूंगा। लेकिन तू जब खुला नहीं छोड़ा जाएगा फिर यार चैलेंज का मतलब क्या रहा पता है? तुझे वो सजा मिली थी इसलिए है ना हमने तुझे थोड़ी देर तक खुला छोड़ा था और ये काम करवाया था, अब चुपचाप इसी के अंदर है। ओए खाना कैसा था? एक नंबर। तुझे कैसा लगा? बेकार। बेकार था। अब सुनो अगर जिसने खाना नहीं खाया होगा ना उसको मैं बता देता हूँ ये तुम्हारा लास्ट खाना था, अब तुम्हें कुछ भी नहीं। यस अब हार मानेंगे ये। यस मैंने भी खाया थोड़ा बहुत। यस गाइस क्योंकि यार इनको हम तगड़ी तरीके से टॉर्चर करने वाले हैं। और सुनो तुम्हारे को है ना हंगने मूतने को भी नहीं मिलेगा, इसी तरीके से रहना है। ऐसा क्या कर रहे हो यार? ये इन्होंने चावल खाए अब तो जाना पड़ेगा। अरे यार गाइस दोनों तरफ से नुकसान है, इन्होंने दबा दबा के चावल खाए तो इनको दो नंबर जाना पड़ेगा। यहाँ पे किसने कम चावल खाए ये बताना, तूने? तूने भी कम खाए? तो गाइस इन दोनों ने कम चावल खाए हैं तो शायद ये इस चैलेंज में आगे सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी इनको पोटी लगेगी। Some time later. भाई मैंने चावल बहुत खा लिए यार। मैंने भी बहुत ज्यादा खा लिए। तूने खुआए थे मेरे को? अरे तो यार भूख लग रही थी, क्या करे क्या करे। वो फायदे में रहे यार, वो तो कुछ खाई नहीं। उनको पोटी लग रही है क्या? लग रही मेरे को तो अभी से स्टार्टिंग हो गई। अरे कोई नहीं, कह दो पोटी भी जाने देते हैं। उसको बोलना यार। आप बोलो। ओए पोटी जान दे यार। क्या 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 दिया तो पोटिया जाते हैं यार। ये काले पानी की सजा, उसमें कुछ नहीं जाने देते। तू पेंट में कर सकता है इसमें, तू पेंट में कर सकता है। गाइस काले पानी की हम सजा देंगे इनको, काले पानी की मतलब कि आप क्या सोच रहे हो? मैं इनको ऐसे 50,000 रुपए दे दूंगा भाई। जो चैलेंज है ना वो और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है भाई, एक्सट्रीम लेवल तक हार्ड होने वाला है। फिर ये छोड़ छोड़ के भागेंगे भाई इस चैलेंज को, ऐसे तो नहीं भागने वाले। ये मेरी एक साजिश थी इनको चावल खिलाने की और अब है ना जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत खराब करता हूँ। देख रहे हो सूरज वो डूब रहा है, समझ रहे हो? और ये है जंगल, तुम भाग भी नहीं सकते, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं और जो ये तार है ना ये भी अभी थोड़ी देर में हटा दिया जाएगा यार। ये तो मत हटा यार, ये हटेगा और फिर बाद में कोई भी जानवर आ सकता है तुम्हारे पास में। कुछ सेफ्टी नहीं है गाइस, कुछ भी सेफ्टी नहीं। यहाँ पे आप देख लो यार कितना घना जंगल है और भाई काले पानी की सजा मिलेगी इनको, काले पानी की सजा। हालत हम इनकी खराब करके रख देंगे। इस खूंखार जंगल के अंदर केवल इनके पास में एक ही सहारा था। अभी भी आवाज आ रही है, देखो और वो सहारा भी हमने हटा दिया है। यहाँ पे जो तारबंदी है ना जो हमने इनके चारों तरफ की थी यानी कि वायर लगाई थी वो भी हमने हटा दी है। अब कोई सेफ्टी नहीं है तुम्हारे पास में भाई, ये घना जंगल है समझ रहे हो? और अगर यहाँ पे कोई जंगली जानवर आता है ना तो यार हम तो बच जाएंगे,
तुम कैसे बचोगे? तुम्हारे हाथ पूरे पैक है, गर्दन पूरी पैक है, वो आराम से चाव से तुम चारों को खाएगा मस्त तरीके से। तो फटाफट से बताओ कौन हार मान रहा है? ये तो गर्दन दर्द कर रही है यार। किशोर हार मान ले। अरे यार हार मानो, पैसों के चक्कर में मरोगे क्या तुम? ये बताओ ना, जल्दी हार मानो यार। भाई किशोर जल्दी मान ले यार हार। गाइस यहाँ पे भाई साहब है ना, काले पानी की जो सजा होती है ना, उससे भी ज्यादा तगड़ी वाली हमने सजा दी है। आपने आवाजें सुनी होगी भाई, जंगली जानवर है चारों तरफ यहाँ पे, और देखो ये किस तरीके से मुर्गे बन के बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पीछे जो आवाज आ रही है सुन रहे हो? हाँ। देखो आ रही है। कैसा लग रहा है वो आवाज? बहुत अच्छा लग रहा है। फट रही है? हाँ। कितनी फट रही है? बहुत ज्यादा। मतलब कि सिलने के लिए दी जाए सुई धागा? सुई धागा, सुई धागा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किशोर हार मान रहा है? हाँ यार, मेरे को निकाल दे यार। पक्का हार मानेगा? हाँ, मेरी गर्दन छिल गई यार, वैसे लग रहा मेरे को। गर्दन छिल गई तेरी? हाँ। चल ठीक है, खोलता हूँ गाइस मैं। पक्का हार मानेगा? हाँ। तो गाइस यहाँ पे जो किशोर है वो हार मान चुका है। मत मजाक कर रहा था। ऐसी मजाक कौन करता है, चुपचाप बैठ जाना। बैठा हूँ मैं तो। तो गाइस अभी तक तो यार कोई हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन यार मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है भाई। काफ़ी घना जंगल है ये, और अगर यहाँ पे कोई जंगली जानवर आता है तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। इसलिए यार मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई, जान है तो जान है, आगो और पैसे कमा लेना। इतना डेंजर चैलेंज क्यों कर रहे हो? भैया मैं तो हार मान रहा हूँ। हार मान रहा है? हाँ भैया, इधर से आवाज आ रही भयंकर की। वो तो मैंने सुना दी तुम लोगों को, खतरनाक आ रही है, ऑडियंस को भी सुना दी गाइस। मेरे को डर लगा। आपने भी सुनी होगी कितनी खतरनाक आवाज थी। तू मजाक तो नहीं कर रहा है? सही बता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पक्का? पक्का। पिछली बार भी तो हार गए था, इस बार भी हार मान रहा है? हारता हूं मैं तो अभी यार, कोई कोई खा जाए कर जाए तो जिंदगी अभी लंबी चौड़ी। तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा, बनानी है तब तो। तो गाइस बेचारा यार, इसकी जिंदगी वो यहीं पर ही खत्म नहीं करना चाहता, ये अब यहाँ पे हार मानता है। तो चलिए फटाफट से यार लोग खोल देते हैं। तो गाइस फाइनली 20 घंटे के बाद में ये हार मान चुका है। ये हार नहीं मानता, लेकिन जो जंगली जानवरों की आवाज आ रही है ना, उस वजह से ये डर चुका है और हार मानता है ना फाइनल। चलो ठीक है गाइस, एक बंदा टर्मिनेट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख लो अभी तक 3 बंदे बाकी है। ये देखो भाई, इसे कहते हैं जुनून पैसे जीतने का। किशोर क्या हालत बना ली तूने? पैसे जीतने में बढ़िया भाई, किस तरीके से पड़ा हुआ है देखो यहाँ पे। राहुल हार मानेगा तू? नहीं नहीं नहीं, तू हार नहीं मानेगा भाई। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है इसको? अच्छा लग रहा है गाइस। इसने चावल नहीं खाए थे शायद, तो इस वजह से पोटी पकड़ा तो नहीं लग रही होगी। तभी तो हल्के फुल्के खाए थे इसने, और बाकी ये दोनों अभी तक मेरे हिसाब से जीत सकते हैं भाई। किशोर की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि इसने दबा कर खाना खाया है, दबा कर। वही तो पेट गड़बड़ कर रहा, गुलगुल कर रहा चावल की तरह, जैसे चावल वो बोलते ना। अच्छा, वैसे पेंट में करने के अलावा तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब मैं ये खोल दूंगा, भाई नहीं खुलने वाला। ये है काले पानी की सजा, समझ रहे हो? नहीं खुलेगी, एक बार तेरी खुल गई अब किसी का भी लोग नहीं खुलेगा। जी हाँ, किसी का भी लोग नहीं खुलेगा। गाइस अभी रात की 1 बज रही है, और हमने सोचा क्यों ना एक बार उनके पास जाया जाए, ताकि पता चल जाए कि यार अभी उनकी हालत कैसी है। जी हाँ, क्योंकि अभी है ना हम उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ पर आप देखो हमने गाड़ी पार्क कर रखी है, और है ना अभी हम उसी के अंदर सो रहे हैं, और वो है ऊपर की साइड। तो चलिए चलते हैं यार। तो गाइस वहां पे आप देखो भाई, है ना तीनों के तीनों जगह हुए हैं, क्योंकि घंटा नींद आएगी यहाँ पर भाई, जंगल के बीच में है वो। तो भाई सुनो, देखो तुम्हारा भाई ध्यान रखने आ गया है तुम्हारी। फट आ गया, इतनी देर तू सो रहा था गाड़ी में जाके। मेरी बात सुनो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे को चिल्ला लेना, मेरे पास में आवाज आ जाएगी। और बाकी हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं यहाँ पे तुम्हारे को बचाने। चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला तो। अब ये यार मैं क्या कर सकता, हार मानो फिर तो। हार मानो भाई यार, इसको तो नींद आ रही है। तुझे नींद नहीं आ रही है? नहीं। ओए हेलो, हार माननी है? नहीं नहीं माननी यार, अभी तक रहना चैलेंज में। टाइम क्या हो रहा है? टाइम सुबह के 8 बज रही है। ये अंदर कहाँ से आ गया? ये मैंने सूरज को ढक दिया मेरे हाथों से, जादू से। ये अभी तक एक ही यहाँ पे, यहाँ पर ही है, कोई हार नहीं मान रहा है। और तू बता तुझे क्या करना है भाई? मैं बहुत खोल दूँ? नहीं 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 खोलना। नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था भाई की वीडियो में आने के लिए, मेरे को फर्स्ट टाइम मौका मिला। मैं नहीं हारूंगा, जीतूंगा। नहीं हारेगा? जीतूंगा मैं। सही है यार, ऑल द बेस्ट। बाकी देख, अगर तुझे कोई शेर आए यहाँ से खाना स्टार्ट कर दे, यहाँ से खाना स्टार्ट कर दे, तो क्या करना है? आवाज दूंगा ना। कैसे वो, कैसे देगा आवाज? चिल्ला कर बता।
किशोर तू कैसे आ जाएगा? मैं तो आवाज नहीं निकलूंगी। तो फिर तो तेरे को खा जाएंगे यार। ऐसे आवाज दूंगा, बचाओ बचाओ। दोनों साथ में दो, दोनों साथ में दो। सही है, शायद हमारी नींद जग जाएगी। इससे कूलर रखना, ऐसे बंद करके सो जाए। हम आराम से ऐसी चला के सोएंगे भाई, हमारी मर्जी। फिर तो समझ लो हम गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे कहाँ पर गया? क्या हुआ? ये खोलिया, मेरे को बहुत ज्यादा चावल खाली, मेरे को टट्टी लग रही बहुत भयंकर वाली। अबे साले इसलिए बुलाया तूने? रोटी लग रही मेरे को। साले मैंने सोचा था कोई जानवर वगैरह आ गया, कोई सांप वगैरह काट गया होगा, भागता हुआ आया मैं। अरे ये जानवर से भी ज्यादा बहुत तेज लग रही, खोल जल्दी खोल। इसी में कर ले। पता है मैं कितना तेज भागता हुआ आया? अरे भाई हालत खराब हो गई, चावल दबा के खाली रात को। गाइस हम नीचे काफी ज्यादा दूर सो रहे थे गाड़ी के अंदर, और ये आवाज लगा रहा था, टट्टी लग रही इसलिए तू आवाज लगाया था इतनी तेज। वही वो भी तो है, मैंने सोचा इमरजेंसी है तुझे। ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं पता। अब तू कभी है ना अगले वाले चैलेंज में आवाज भी लगाएगा ना, तेरे पास में भी नहीं आने वाला। अभी तो खोलता हूँ तुझे, अभी तो खोल दे यार, पेट खराब हो रहा है, खतरनाक। तो फाइनली गाइस यहाँ पे किशोर भी आउट हो चुका है, ठीक है, गए तेरे हाथ से 50,000 रुपए, जाओ। चप्पल कहाँ है? चप्पल चप्पल भाई, रात को बहुत ज्यादा चावल खा लिए, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, अब तो जाना ही पड़ेगा। तू कह रहा है मेरे पीछे पीछे जाना, उधर टट्टी का स्लो मोशन बनाएगा क्या? सूख ले नहीं। फाइनली गाइस इन दोनों को 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है कैदी बने हुए, और आज है दूसरा दिन। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो हम इनको ले जा रहे हैं जॉगिंग करवाने के लिए, चलो आ जाओ एक्सरसाइज करने चलो। ये कौन सी एक्सरसाइज? ये तो टॉर्चर है। हाँ ये टॉर्चर ही है, चलो चलो तुम पैदल पैदल। गाइस है ना हम इनको चलवाने वाले है, और देखते है कि यार कौन हार मानता है, चलो जल्दी। गाइस इनको घुमाते घुमाते मैं थक गया, लेकिन अभी तक ये नहीं थके। अरे कौन हार मान रहा है ये बताओ ना, मान रहा कोई हार? हार मान जाना यार भाई, इनको तो भाई पैसे जीतने ही आज तो। आओ 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 चलो चलो और घुमाते इनको। राजा राजा आ जाओ आ जाओ। गाइस मैं इनको लेके आ चुका हूँ यहाँ पे तालाब के पास में। पानी पीना है किसी को? मेरे को तो नहीं पीना। पी लो पानी, तालाब का पानी है, शुद्ध पानी। किसी को हार माननी है? नहीं नहीं, तुम भाड़ में जाओ। गाइस इनके चक्कर में मैं थक गया, आपको पता है, इतना इनको पैदल चला दिया, लेकिन ये दोनों यार इतने लालची अभी तक हार नहीं मान रहे। कोई नहीं, सरवाइव करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदा हारते ही एक बंदा जीत जाएगा। हार मान जाना यार। मैं क्यों मानू, आप मान जाओ हार, मेरे को तो 50,000 जीतने हैं। तेरी शक्ल देगी 50,000 जीतने की? मैं तो जीतूंगा जीतूंगा। हार जा, मैं क्यों मानू, तू मान जा हार। 500 रुपए दे दूंगा तेरे को। नहीं नहीं, मेरे को हार नहीं मानना, 50,000 जीतने हैं। यहाँ पे यार ये दोनों ऐसे तो हार नहीं मानेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक चैलेंज रखने वाले हैं। सुनो तुम्हारा भी आसान हो जाएगा, समझ लो। तो अभी है ना क्या करते हैं, देखो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है भाई, तुम दोनों लालची हो, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। सुनो तुम्हारे बीच में होगा एक चैलेंज, और अगर जो बंदा जीतता है वही विनर होगा, समझ गए तुम? हाँ ठीक है, फाइनल। तो गाइस अब आने वाला है गेम के अंदर ट्विस्ट, यहाँ पे इनके बीच में होगी रेसिंग। ये खड़े हैं अभी जंगल के बीच में, और ये रहा रास्ता, अब तुम्हें क्या करना है, जंगल पार करना है। टोटल तुम्हें 2 किलोमीटर पैदल चलना है, समझ गए तुम? हाँ ठीक है। तू समझ गया, जो सबसे पहले पक्की सड़क पे पहुंच जाएगा वो विनर होगा, ठीक है, फाइनल। तू एग्री करता है? तू एग्री करता है? चैलेंज स्टार्ट, चलो। अरे वो आगे निकल रहा है, जा ना मरीज। यहाँ पे गाइस दोनों का चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, नंगे पाँव में, नंगे पाँव वहाँ पे आप देखो गाइस, नंगे पाँव में और हाथ बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। कैदी भाग रहे हैं यहाँ पर, कैदी भाग रहे हैं, चलो जल्दी स्पीड।
ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ, जीतना अरे चल चल जल्दी आगे चल, वो जीत जाएगा, जल्दी चल, पास में आ चुकी है सड़क। अरे भाई राहुल जीतेगा, राहुल थोड़ा सा जल्दी कर जल्दी। ओ भाई साहब यहाँ पे फाइनली गाय ये जीत चुका है। अरे यार पता ही नहीं चला भाई 2 किलोमीटर कितने कम टाइम में दोनों लोगों ने पूरे कर दिया, हमें भी थका दिया। फाइनली गाइस ये चैलेंज होता है यहीं पर खत्म। राहुल जीत चुका है पूरे 50। देख मेरी तो कड़क कड़क के नोट, तो किस्मत ही खराब है। तो गाइस यार कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, देखो आज तुम्हारे भाई के पास 50,000 रुपये आ चुके हैं। तो यार फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।